नमस्कार, मैं हूँ सुलोचना। आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आप सबको तो पता ही है कि अब मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक उठाया है, मनोविज्ञान का। और उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा और आगे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सबको अच्छे से अच्छे नॉलेज दी जाए। और दूसरी बात ये है कि अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ भी रहे होंगे और बहुत कुछ क्लियर भी हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में कह रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, या तीनों ही कर देंगे तो मेरे लिए सर्वोत्तम रहेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैंने जो एक टॉपिक लिया है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने अवस्थाओं को पढ़ा पिछले क्लास में कि किस तरीके से कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं बच्चों के विकास में। शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, ये सारे स्कूल अवस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, इस तरीके की बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा। अब आते हैं कि मनोविज्ञान को विकसित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, यानी कि कुछ लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों को बाल विकास के लिए रखा है, प्रस्तुत किया है हम सबके सामने। और उनमें से हर एक का सिद्धांत अपने आप में एक निपुण सिद्धांत है, एक कंप्लीट सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों को हम मान सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है? ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांत के आधार पर ही हम अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाते हैं, और उसी के आधार पे हमारी जिंदगी चलती जाती है। और उस सिद्धांत कैसे बनता है? वो बनता है हमारे जो बचपन में संस्कार डाले जाते हैं, और उन्हीं संस्कारों के द्वारा हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास भी संस्कार के नाम पर एक सिद्धांत होता है, और वो सिद्धांत हमें आगे की ओर ले जाता है। उसी तरीके से कुछ बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके बाद अपने कुछ खास थॉट्स, कुछ खास प्रिंसिपल्स और कुछ खास कीवर्ड्स को दे करके हमें अपने सिद्धांत को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। हालांकि हर एक सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत होते हैं, उनकी अपनी जितनी विशेषताएं होती है उनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? क्योंकि किसी भी सिद्धांत को एकदम पूर्ण रूप से मानना सही और सटीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत अगर एक परिस्थिति में सही साबित होता है, तो हो सकता है कि दूसरे परिस्थिति में वो बदल जाए। इसका वजह ये है कि जितने भी लोग धरती पे जन्म लेते हैं, उन सभी लोगों को अपने अलग-अलग परिस्थितियों से गुजरना होता है, और गुजरते हुए वो बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, और बहुत कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं, तो कोई बहुत पीछे रह जाता है। हो सकता है कि परिस्थिति और हो सकता है कि सब कुछ समान मिलने के बावजूद ये सब डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो पर्टिकुलर स्टेज को बताते हुए उसको आगे करता है, लेकिन हम सभी सिद्धांत को एकदम से मान्य नहीं कर सकते हैं। चलिए अब सिद्धांतों की बात की जाती है, तो थ्योरीज में बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसमें है इकोलॉजिकल सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, और एरिक्सन का सिद्धांत। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वो सभी से बहुत ही अलग है। इन्होंने भी स्टेजेस में बांट करके
अपने सिद्धांत को बताया है कि किस तरीके से बच्चे का विकास होता है और वो किस तरीके से प्रौढ़ावस्था की हो जाता है, किस तरीके से वृद्धावस्था की हो जाता है और उसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स आती हैं। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एक है इकोलॉजिकल सिद्धांत। इकोलॉजिकल सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसमें कि हम अपने आसपास के जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, उन सब चीज़ों से किस तरीके से निपटते हैं, किस तरीके से हम रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमारा रहन-सहन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसे बनाया था ब्रॉनफेस वर्नर ने, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत पियाजे ही बनाया है, वायगोत्स्की का सिद्धांत वायगोत्स्की ने बनाया है और एरिक एरिक्सन का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने बनाया है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं वायगोत्स्की का सिद्धांत। वायगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि वायगोत्स्की का सिद्धांत अगर हम देखें तो 1930 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसी टाइम पे जिन पियाजे का सिद्धांत भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था या फिर उस समय बन रहा था और इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था। और इनका सिद्धांत पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इनकी उम्र 30 to 38 उम्र के स्टेज पे उनकी मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इनका सिद्धांत संपूर्ण रूप से नहीं पूरा हुआ और ना ही उसे कोई कर पाने की क्षमता रखी। वायगोत्स्की का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत चूंकि समकालीन सिद्धांत है, दोनों का सेम समय में चल रहा था, तो इनके और इनके कुछ खास चीजों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। इनका सिद्धांत इनके सिद्धांत से थोड़ा सा भिन्न है। इन्होंने जिस चीज को माना उस चीज को इन्होंने नकारा है, जिस चीज को इन्होंने माना इनको इन्होंने नकारा है। हालांकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे और एक दूसरे को शायद नहीं समझे होंगे, फिर भी इन्होंने भाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना। इन्होंने नहीं माना कि हमारी भाषा उसकी कोई खास विशेषता नहीं रहती है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल या सोसाइटी को माना है और इन्होंने सेल्फ को माना है कि जो भी हमारा विकास होता है, हम किसी भी चीज को खुद एक्सप्लोर करते हैं, हम किसी भी चीज को खुद डिस्कवर करते हैं और फिर हम धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। इनका कहना है कि कोई ना कोई टीचर या फिर हमारा पियर होगा जो हमारे को विकसित करेगा, यानी कि जब भी हम विकास करते हैं तो हमारे कोई टीचर होते हैं और टीचर क्या माध्यम लेते हैं, हमारे लैंग्वेज का माध्यम लेते हैं और किस चीज़ का विकास करते हैं, हमारे कॉग्निटिव का विकास करते हैं, यानी कि हमारे संज्ञान का विकास करते हैं। इनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद ब खुद सीखते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और नई चीज़ें कोशिश करते करते हम विकसित तो हो जाते हैं, ठीक है। तो वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से क्या ध्यान दिला रहा है हमें, भाषा की आवश्यकता को बताता है और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो समाज है, वो समाज हमें बहुत कुछ सिखाती है। और बात भी सही है क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं तो अपने मदर फादर, अपने पेरेंट, अपने टीचर्स, अपने आस पड़ोस के अंकल आंटीज या भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके द्वारा ही तो सीख पाते हैं ना। इनका सिद्धांत अलग हो जाता है, इनका सिद्धांत अलग हो जाता है। तो चलिए हम इनके सिद्धांत की कुछ खास विशेषताओं के विषय में बात करते हैं कि इनका सिद्धांत लैंग्वेज को फोकस करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताता है कि किस तरीके से मनुष्य के अंदर विकास होता है और किस तरीके से एक टीचर
अपने बच्चे को स्किल्ड बनाता है, किस तरीके से उनके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों का विकास करता है और किस तरीके से वो एक बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्कैफोल्डिंग की। इसका मतलब होता है स्टेप लर्निंग, यानी कि हम किसी भी चीज को एकदम से नहीं सीख सकते हैं। हम किसी चीज को पहले क ख ग घ बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे पहले क ख ग घ पढ़ते हैं, ना कि वर्ड बनाना, ठीक है। उसके बाद जब वर्ड पढ़ने लग जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे सीखते हैं सेंटेंसेस फॉर्म करना। तो वही बात ये बताते हैं कि हमारे जो शिक्षक होते हैं हमें भाषा का माध्यम बना करके किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं और हम उस चीज़ को सीखते जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ खास और भी चीज़ों का वर्णन किया है, अपने कॉन्सेप्ट्स में लिया हुआ है, और वो है, एक है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को जब सीख रहे होते हैं तो हमारे सामने, अगर सपोज कीजिए कि हमारे सामने किसी ने कहा एम, तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। इसमें एम वर्ड लेते ही अगर हमारा थोड़ा डेवलपमेंट हो गया और आप पूछोगे एम से कोई वर्ड बना के बताओ, तो हो सकता है कि बच्चा अगर सीखा हो तो मैन भी बोल सकता है या फिर मैंगो भी बोल सकता है। यानी कि ये जो हो गया क्ल्यू का काम किया, यानी कि कुछ हम उसे क्ल्यू देते हैं और वो मैंगो बोल देता है। अब क्ल्यू कैसे काम करता है, हमने कुछ ना कुछ माइंड में मैपिंग की होती है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि हमारे दिमाग में पहले से हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है, समझाया गया है कि अगर ये वर्ड आता है तो एम फॉर मैन होता है, एम फॉर मैंगो होता है, या फिर और भी ज़्यादा हम जब डेवलप होते जाते हैं धीरे धीरे, जब हम बड़ी क्लासेस में पहुँचते जाते हैं तो हमारे सामने एम से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक खास वर्ड्स होते हैं, जैसे ही हमारे सामने एम वर्ड, एम लेटर आता है और हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक क्लिक कर जाती है। तो वो क्लिक कर जाती है, क्यों कर जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में मैपिंग हो चुकी है उन वर्ड्स की, ठीक है। माइंड में एक मैपिंग का मतलब हो गया उस चीज़ का, हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज फिट हो जाता है। तो हमारे जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है बस इन्हीं बातों में है कि किस तरीके से हमारा विकास हो जाता है और किस तरीके से हम विकसित होते हैं। इसके अलावा हम लोग, जब हम लोग पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं तो पियाजे के सिद्धांत में हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, और उन वर्ड्स को मैं आज इस कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके सामने रखूँ, और वो रखते हुए काफ़ी कुछ आपको बताना चाह रही हूँ कि इनका कहना है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं खुद। नॉट पॉसिबल बाय सेल्फ, क्योंकि हम अपना विकास खुद नहीं कर सकते हैं। लेकिन पियाजी कहते हैं कि हम अपना विकास खुद कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ खास कीवर्ड्स दी हैं, उन कीवर्ड्स को मैं आपके सामने रख रही हूँ। स्कीमा का लिया है। स्कीमा का मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ से, माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी चीज़ से। उसके बाद इन्होंने लिया है इगो सेंट्रिज्म।
इगोसेंट्रिज्म लिया है और एकोमोडेशन लिया है, एकोमोडेशन में उन्होंने दो प्रक्रियाएं बताई हैं, एसिमिलेशन और ये किस चीज का आधार है, एडेप्शन का। देखिए अब मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्याजे ने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया है, इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया है। इनका कहना है कि जो भी हमें डेवलपमेंट होता है अदर्स के द्वारा होता है। प्याजे ने कहा है कि हम सेल्फ डेवलप करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ खास वर्ड्स दिए, इकोसेंट्रिज्म के दिए, यानी कि इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि जब एक स्टेज में जब छोटा बच्चा होता है तो दो चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, चाहे वो दोनों बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो या उनमें थोड़ी सी डिफरेंस हो तो उसमें वो पता नहीं कर पाता है। एडेप्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं और किस तरीके से हम सर्वाइव करते हैं, उसी को कहते हैं एडेप्शन। एडेप्शन में उन्होंने दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, पहला है एकोमोडेशन, दूसरा है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि हम उन परिस्थितियों जिन परिस्थितियों में डाले जाते हैं उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि जिस परिस्थिति में जाएं सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लें, जो कि शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, और हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमारा दम भी घुटने लगता है कई बार। तो एकोमोडेशन जो लोग जानते हैं, एकोमोडेट करना जो लोग जानते हैं, वो लोग किसी भी परिस्थिति में जाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप को उसके अंतर्गत ढाल ही लेते हैं। फिर इन्होंने पियाजे ने कुछ खास स्टेजेस का वर्णन किया है, स्टेजेस बताए हैं। पहला है सेंसोरी मोटर डेवलपमेंट, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट और चौथा है फॉर्मल। ठीक है, ये जो होता है 0 to 2 years का होता है, ये जो होता है 3 to 6 years का होता है, ये 7 to 11 और ये जो होता है 12 to lifelong हम ले सकते हैं। ठीक है, सेंसोरी में बच्चा सिर्फ सिंपल एक्शन ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है, वो सिर्फ एक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को वो समझ नहीं पाता है, बल्कि अगर आप उसके सामने आग भी रख देंगे तो वो एक बार पकड़ने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेशनल में जब वो पहुंच जाता है तो वो बहुत कुछ सीख तो जाता है, भाषा को अपना माध्यम बनाता है अपने माइंड को शार्पन करने का, लेकिन वो फिर भी उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। इस अवस्था में ईगो सेंट्रिज्म जो मैंने अभी कीवर्ड आपको बताया था उसका उपयोग करता है, यानी कि उसमें ईगो सेंट्रिज्म की ज़्यादा अधिकता होती है, यानी कि वो दो चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट करने में असक्षम रहता है। तीसरा है कॉन्क्रीट, इसमें वो अपने जितनी भी ये निगेटिविटी यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है, यानी कि वो सेंट्रिज्म जो थी वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और कंक्रीट में वो अब उसकी लॉजिक डेवलप होने लगती है। लॉजिक डेवलपमेंट होने की वजह से वो कन्वर्स कर सकता है, रिवर्स कर सकता है,
किसी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर एक्सचेंज भी कर सकता है। अब इन सब चीजों को मैं एक बार ठीक से समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो थर्ड स्टेज में चल रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग, तो वो क्या क्या करता है, एक्सचेंज करना जानता है। यानी कि अपने फ्रेंड्स से वो किसी शर्त रख लेता है कि अगर तुम मुझे चॉकलेट देते हो तो मैं तुम्हें अपना लंच बॉक्स शेयर करने दूंगी अथवा नहीं दूंगी। ठीक है, ये एक्सचेंजिंग का एक फंडा हो गया। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे को कोई चीज़ नहीं देनी होती है, तो वो क्या करता है, वो सीधा कह देता है मुझे मैम मारेंगी, या फिर वो ये कह देता है कि मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है। अब मम्मी तो यहाँ देखने आने से रही कि भाई वो कह रहा है, वो 2 मिनट की चीज़ वो मांगता है, फिर भी वो कह देते हैं मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है, यानी कि वो मैनिपुलेशन करना सीख रहा है। कन्वर्सेशन करना सीख जाता है। आप कुछ बोलेंगे तो उसको वो रिप्लाई बहुत ही तरीके से देना शुरू कर देता है। कई बार आप हार्श वर्ड बोलते हैं तो वो भी आपको पलट के हार्श वर्ड ही बोल देता है। तो आप कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा कितना बदमाश होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। लेकिन ये तो इस एज की डिमांड ही है, इस एज में तो वो करेगा ही करेगा, तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा, उसको प्यार से समझा दीजिएगा। फॉर्मल स्टेज में होता है कि 12 से लेकर के ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उसमें हम ले सकते हैं। और इस स्टेज में एक बच्चा थोड़ा सा मैच्योर लेवल का हो जाता है, मैच्योरिटी आने लगती है, और मैच्योरिटी आने की वजह से वो काफी कुछ सोचने लगता है, विचार करने लगता है, उसके अंदर लॉजिक भी कूट कूट करके भरने लगती है। वो हर परिस्थिति को पॉजिटिविटीली और निगेटिवली दोनों तरीके से वो कंपेयर करता है और फिर उस चीज़ को निचोड़ निकालता है। जैसे कई बार एक बच्चा इमेजिन करता है कि काश जो नंबर सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, या ग्रेडिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, या फिर जितने भी बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं तो कितना अच्छा होता है। लेकिन फिर दूसरे पली वो ये सोचने लग जाता है कि अगर सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनका क्या होगा, और जो बिल्कुल कमजोर हैं जिनको पास भी नहीं करना चाहिए उनकी तो चांदी हो जाएगी। इसका मतलब ये तो गलत है। तो वो लोग गलत और सही के बीच में निर्णय लेना अब धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये हो गई पियाजे के सिद्धांत का निचोड़ था, और ये काफी इंफॉर्मेटिव भी था, क्योंकि इसी के आधार पे आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी हमने समझ लिया कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है, उसमें भाषा पे ज़्यादा प्रभाव डाला गया है, ज़्यादा वेट डाला गया है, ज़्यादा वेटेज डाला गया है। वाइगोत्स्की ने नो स्टेज यानी कि कोई स्टेज का वर्णन नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई स्टेज नहीं बताया है। इसलिए आप ध्यान से बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िएगा कि अगर भाषा की बात आती है, भाषा का सबसे ज़्यादा समावेश के किसके सिद्धांत में मिलता है, तो वो होता है वाइगोत्स्की जी के। और उन्होंने बस 2-3 बातें ही बताई हैं कि सामाजिक जो पर्यावरण होता है, वातावरण जो होता है, वो हमारे विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे आसपास अच्छे से अच्छे स्किल्ड लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो हमें अच्छी से अच्छी सीख दे सकते हैं। और उन्होंने कुछ खास बातें बताई हैं, निमोनिक्स की बात कही है, माइंड मैपिंग की बात कही है। कि माइंड मैपिंग का मतलब मैंने आपको निमोनिक्स के संदर्भ में ही समझा दिया है, कि हमारे सामने अगर कोई एक लेटर दिया जाता है या कोई क्यू दिया जाता है, हम उस क्लू के आधार पर कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ माइंड में मैप बना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस कार्य को करने लग जाते हैं, या हम लोग एक्शन लेने लग जाते हैं, या जो भी करना है हम लोग करने लग जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गया होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सबको आगे भी बहुत अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकूं, ताकि आप सबका जो विकास हो सके, आपके जो भी अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो सब क्लियर हो सकें, और आगे भी किसी भी तरह का प्रश्न मुझे वाइगोत्स्की से रिलेटेड या फिर
प्यारे से रिलेटेड आएगा तो मैं आप सबको एक बार फिर से इनके सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करूंगी। वैसे मैंने आज लेवल बेस्ट मेरी कोशिश की है कि आप सबको इसको समझा सके। तो अब मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुशी खुशी रह रहे होंगे। तो आप सबकी खुशियों में बढ़ोतरी हो, आगे बढ़ें, आप हर तरीके से आगे बढ़ें। और तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं अगले वीडियो की तैयारी करने जा रही हूँ। नमस्कार।